किसान नेतागण सिंह साहिबान की संतान ने मातृशक्ति और भावी भारत की आशाओं, आप लोग एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। इतिहास कहेगा, इतिहास बताएगा, इतिहास की पुस्तक पढ़ाई जाती है। आप जो इतिहास लिखेंगे वो एक नए भारत की शुरुआत है, नए एक युग का प्रारंभ है। आप लोगों ने जो बलिदान दिए हैं, आप लोगों को हम बलिदानी कहेंगे, आप लोगों ने जो शहादत दी है, जितने किसान भाइयों ने इस आंदोलन में शहादत दी है, मैं सोनीपत बार की तरफ से उन सबको नमन करता हूँ, उनके माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। मैं सोनीपत बार एसोसिएशन की तरफ से, मैं सोनीपत जिले की तरफ से आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की जिस प्रकार की भी कोई कानूनी सहायता धन से, तन से, मन से, आत्मा से और परमात्मा से होगी, खुले दिल से हमारे वकील साथी करेंगे, निसंकोच भाव से करेंगे। और मेरे से पहले चहल साहब ने कहा कि अगर आपकी पीठ पर वार नहीं होने देंगे, हमने ये कहा, मेरा विचार है कि जहां आपकी छाती अड़ेगी उससे पहले वकील साहिबान की छाती अड़ेगी। जो गोली डंडा आपको लगेगा पहले हम खाएंगे, फिर आपके ऊपर आचार्य देंगे। मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूं, मैं सरदार बूटा सिंह जी को अपनी बार की तरफ से किया गया रेजोल्यूशन, मैं 15 वकील साहिबान के लिस्ट देता हूं कि उसके साथ उनके नंबर है बकायदा। आपको किसी समय भी एट 11 आवर्स रात को बीडी कोई भी दूर हूँ मुंबई, एक फोन दूर किसी लिए फोन साथ रख, सुनना चाहिए ना खड़ा होकर सुन। आप लोग समझ नहीं पाए मोदी शाह का खेल आज तक, हम पढ़ी लिखी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जो आपके सामने कहेंगे धर्म से सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने 3 इलेक्शन गुजरात के देखे। आप लोगों को शायद ध्यान होगा, जब पहला इलेक्शन गुजरात का हुआ तो वहां पर गोधरा कांड हो गया भाई साहब। गोधरा होने के बाद हिंदू मुसलमानों की राइवलीज करा दी, मोदी जी सीएम बन गए। उसके बाद दोबारा इलेक्शन आया गुजरात का, इशरत जहां वाला केस करा दिया, कभी इशरत जहां मोदी को मारने के लिए आ रही थी, फिर मोदी सीएम बन गया। अब आपको पता नहीं लगा कि तीसरा इलेक्शन हुआ गुजरात का, आपको पता होना चाहिए अमरनाथ की यात्रा में हम लोग जाते हैं, जो वकील है या और कोई जाता है उसका बकायदा पंजीकरण होता है, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, उसके व्हीकल का पंजीकरण होता है। लेकिन अचानक गुजरात की एक बस आई, उसके आगे हैंड ग्रेनेड फट गया, फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बन गई। ये भाईचारा बिगाड़ने वाली सरकार है, भाईचारा बनाने वाली सरकार नहीं है। 26 जनवरी का एपिसोड हमने खूब देखा, खूब उस 26 जनवरी के एपिसोड के बारे में लोगों को बताया, बार बार कहा कि झंडा लगा दिया, किसी को नहीं पता आप कभी भी दिल्ली गएंगे, कभी भी किसी टाइम भी किसी दिन भी आप दिल्ली जाएंगे, जो फ्लैग रोड हमेशा खाली होती है उस पर केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। लेकिन उस दिन कोई झंडा नहीं था, झंडा लगा हुआ था आप लोगों का भाईचारा बिगाड़ने के लिए। 500-700 हजार गुंडे जो कि बीजेपी के वर्कर थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो आप लोगों के बीच घुसे, आपका भाईचारा खराब करा, आप लोगों की आत्मा को खेत पहुंचाई। और मैं सोनीपत क्या हरियाणा की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूँ, हरियाणा में कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी तो सोनीपत बार एसोसिएशन आपके कंधे से कंधा मिला के आपके आगे छाती अड़ा के मदद करेगी, तन से, धन से और मन से। मैं सरदार बूटा सिंह जी को अपनी बार की तरफ से नहीं, उसमें मैं बता देता हूं आपको, कमल हुड्डा जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मैं खुद हूं, मेरे दोनों साहबजादे हैं जो आपकी मदद करेंगे, अशोक पंडित जी हैं, महेंद्र सिंह सैनी जी हैं, राजकुमार जी पंचाल हैं, मनोज दहिया जी हैं, विकास कुंडू जी हैं, प्रणयदीप चौधरी जी हैं,
उमेश सिंह चहल हैं, जितेंद्र कुमार हैं, विकास हुड्डा हैं, रामेश सिंह रखवाल सीनियर एडवोकेट हैं, हिम्मत दहिया हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन के, नीरज मलिक हैं, किशन मलिक हैं, भूपेंद्र नसीर हैं। आप लोग इस बात से और संजीव दहिया जी हैं, आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये तो पीठ की हम उसकी बात करें, उन्होंने कहा मोदी को फाड़ फेंकेंगे, हम मोदी का नामो निशान मिटा देंगे, बेवलादा आदमी है। एक आदमी गया उनका घर, अरे हम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये लड़ाई हम लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, पीछे हमारी संतानें लड़ेंगी। मोदी होश में आ जा, मोदी होश में आ जा, दिल्ली पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तेरे कानून तू रद्द नहीं करेगा, हम छीन के उनको रद्द करने आ रहे हैं। जय हिंद जय भारत, किसान एकता, मातृशक्ति, जिंदाबाद, बोले सोनिया।